जो चीज पूरी हुई नहीं है अभी तक, उसके बारे में ये सोचना कि वो पूरी हो ही जाएगी, ये एक कला है। आप ये सोचोगे ठीक है मैं सोचता हूँ $10,000 इस बंदे के जैसा मैं भी एक्सपेक्ट करूँगा और हो जाएगी, बट आप ये भी नोटिस करते हो कि अभी तक आई नहीं है। जब आप ये नोटिस करोगे कि क्या हो रहा है अभी आपकी ज़िंदगी में और एक्सपेक्ट करोगे कि क्या होने वाला है, तो दोनों एक साथ काम नहीं करेगी। तो फिर कैसे काम किया जाए? उसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी में अभी जो हो रहा है उस पर कम ध्यान देना पड़ेगा। अभी आपको कम नोटिस करना पड़ेगा कि $10,000 नहीं आया है, और एक्सपेक्टेशन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा कि वो $10,000 आने ही वाले हैं। जब आप अपने वर्तमान पे कम ध्यान देके अपने आने वाले चीज़ पे बिलीव ज़्यादा रखेंगे तो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। आपको किसी तरीके से अभी जो वर्तमान में हो रहा है, जिसे हम व्हाट इज़ कहते हैं, वीडियोस में आपने सुना है, उसको किस तरीके से कम एक्टिव करना है अपने वाइब्रेशन में। आपका व्हाट इज़ मतलब जो वर्तमान में हो रहा है वो तभी कम एक्टिव होगा जब आप उसे उसकी जगह पे पहुंचाएंगे, उसकी सही जगह पे पहुंचाएंगे, और आपके आपके व्हाट इज़ मतलब जो वर्तमान में हो रहा है उसकी सही जगह ये है कि आप उसे ये सोचे कि वो हो चुका है, वो बीत चुका है, उस पर मंथन चिंतन करने से कुछ नहीं होने वाला। आप अपने वर्तमान में घटी हुई चीज़ों को पास्ट में समझ के आगे बढ़िए। उस जो हो रहा है उसका वाइब्रेशन, अगर आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो वो सबसाइड हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और उसका वाइब्रेशन आपके आने वाले कल पे असर नहीं करेगा। इसी के लिए अगर आपका व्हाट इज़ आपके एक्सपेक्टेशन से मिलता जुलता नहीं है, दैट मींस अगर आप $10,000 या ₹10,000 अट्रैक्ट करना चाहते हैं और अभी आपके वर्तमान में ₹10,000 की कमी या $10,000 की कमी है, तो आप व्हाट इज़ पे ध्यान देंगे, मतलब कमी पे ध्यान देंगे, तो आपके लाइफ में ₹10,000 या $10,000 नहीं आएगा। अगर आप अपने व्हाट इज़ को पास्ट टेंस समझ के, मतलब ₹10,000 की कमी को पास्ट टेंस समझ के भूल जाएंगे और ये समझेंगे कि आपकी लाइफ में ₹10,000 या $10,000 आ गई है या आने ही वाली है और आपके जीवन की जो कमी थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो आपके लाइफ में आप सोचेंगे और वो चीज़ जल्द से जल्द पूरी होती चली जाएगी। पर आप ये कैसे करेंगे? कैसे आप भविष्य के बारे में ज़्यादा सोच के वर्तमान की चिंता को छोड़ देंगे, जबकि वर्तमान की जो चीज़ें हो रही है वो आपको ज़्यादा नीचे खींच रही है, वो ज़्यादा रियल दिख रही है, वो ज़्यादा कंपेल कर रही है आपको सोचने के लिए। यही तो एक की है कि अगर किसी तरीके से आप अपना ध्यान भटका दें जो वर्तमान की चीज़ें हो रही हैं उस पे से, तो आपका वर्तमान का वाइब्रेशन कम हो जाएगा, उसका असर कम हो जाएगा। सो अपने वर्तमान के असर को कम कैसे किया जाए? आप अपने वर्तमान विच इज़ जिसको हम व्हाट इज़ कहते हैं, व्हाट इज़ का असर कम करने के लिए आपको वैसे ही किसी चीज़ का उतना ही कंपल्शन बढ़ाना होगा। मतलब अगर आपका व्हाट इज़ बहुत कंपेलिंग है तो आपको वैसा ही कंपेल किसी दूसरे चीज़ों में करना होगा। चलिए मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा खेलूंगी और उसके बाद आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगी। ऐसा अब्राहम कहते हुए आगे पूछती है उनसे, क्या आपको क्लैरिटी पसंद है? क्या आपको क्लैरिटी किसी भी चीज़ में पसंद है? क्या आपको क्लियर होना, किसी चीज़ को साफ साफ देखना पसंद है? क्या आपको क्लैरिटी की फीलिंग, मतलब आपके माइंड में इतनी क्लैरिटी आ गई कि आपको पता है कि ये वक्त बिल्कुल सही है, ये जो वक्त है इसे मुझे कोई नहीं छीन सकता, मैं इतना क्लियर हूँ माइंड में कि इस बार मैं गलत हो ही नहीं सकता, क्या आपको ये फीलिंग पसंद है? क्या आपको क्लैरिटी पसंद आ रही है? और आप जब अपने क्लैरिटी पे फोकस करते हैं तो क्या वो आपको खुशी देती है? और अगर देती है तो क्या ये कंडीशनल हैप्पीनेस है, मतलब या फिर अनकंडीशनल हैप्पीनेस है?
इसका मतलब ये हुआ कि क्या आपका हैप्पीनेस इस क्लैरिटी पे डिपेंड करता है या आपका हैप्पीनेस इस क्लैरिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मुझे पता है कि ये सारे वर्ड्स आपके लिए थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, बट मैं किसी तरीके से ये चाह रही हूँ कि आपको आपके 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 अंदर मैं ये बता पाऊँ कि आप किस तरीके से अपने वर्तमान को, अपने रियलिटी को फेस ना करें। क्योंकि जब आप अपने रियलिटी पे ध्यान नहीं देते हैं और अपने आकांक्षाओं, अपने इच्छाओं पे ध्यान देते हैं, बिल्कुल 100% आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने डिज़ायर पे होता है, अपने रियलिटी पे नहीं, अपने वर्तमान में घट रही चीज़ों पे नहीं, तो 100% आपका रियलिटी ही आपका रियलिटी ख़त्म हो जाता है और आपकी रियलिटी बदल के आपकी आकांक्षाओं में हो जाती है। मतलब आपकी आकांक्षाएं ही, आपकी आशाएं ही आपका रियलिटी बन जाती है। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि रियलिटी पे ध्यान मत दो, जो चाहिए उस चीज़ पे ध्यान दो, जो आशा है उस पे अगर अपना 100% फोकस रखोगे तो आपकी आशा, जो विशेज़ हैं, जो डिज़ायर है, वही रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो आपको अपने रियलिटी को वहाँ पहुँचाना है जहाँ वो बिलोंग करती है, मतलब पास्ट टेंस में, भूतकाल में पहुँचाइए। बिकॉज रियलिटी अगर आपके पास्ट टेंस में है तो आपका जो की इच्छाएं हैं वो प्रेजेंट टेंस में आ जाएगी। मतलब वर्तमान को आप भूतकाल में रखिए और आशाओं को वर्तमान में लेके आइए। जो घट चुका है, रियलिटी आपका स्वीट स्पॉट नहीं है, वहाँ पे एक्शन नहीं होता है, वहाँ पे मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। जो घट चुका है वो ऑलरेडी हो चुका है। इसके लिए मज़ा वहाँ है जहाँ होने वाला है, जहाँ आपकी एक्सपेक्टेशंस है, जहाँ आपकी आकांक्षाएं हैं, जहाँ आप सोच हैप्पीनेस शुरू हो जाता है। फन अगर आप देखेंगे तो सिर्फ नए आइडियाज़ में है। मतलब आपने एक आइडिया अपने दिमाग में सोचा और वहाँ से आपका फ़न एक्सपीरियंस शुरू होता है। एक थॉट जब आपके दिमाग में आया, वहाँ से आपका फ़न एक्सपीरियंस शुरू होता है। जो हो चुका है उसमें कोई फ़न नहीं है, उसमें कोई लीडिंग एज नहीं है, उसमें कोई भी मज़ा नहीं है। इसके लिए जब थॉट्स आते हैं, जब डिज़ायर आते हैं, जब आपको चीज़ों को, अपने थॉट्स को अपने थिंग्स में बदलना होता है, तब वहाँ फन आता है, तब वहाँ लीडिंग एज आती है, तब वहाँ मज़ा आता है। जहाँ आपको कॉन्शियस अवेयरनेस होता है कि आपके पास एक थॉट आई है, और जहाँ आपको बिलीव होता है कि वो थॉट बिल्कुल ही अपने चीज़ों में कन्वर्ट होने वाली है और आपकी चीज़ें बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने वाली है, इस अनडिवाइडेड फोकस, बिल्कुल अटूट विश्वास में ही मज़ा है। जब आपके अंदर कोई डिज़ायर आती है और उस चीज़ को पूरा होने का अटूट विश्वास ही आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करेगा। आपके अंदर कोई थॉट आई, आपने उसके बारे में सोचा, आपने उस चीज़ की आशा की और आपने इस चीज़ का विश्वास किया कि ये चीज़ बिल्कुल होने ही वाली है, क्योंकि आपने अपने यूनिवर्स पर भरोसा किया और वो चीज़ होएगी में ही आपकी भलाई है और उसी में आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होके आपके लाइफ में आएगी। जो पैसे आपके थॉट्स में है वो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, जो रिलेशनशिप आपके ड्रीम में है वो आपकी लाइफ में आएगी, जो गाड़ी आपके सपनों में है वो आपके दरवाजे पे आएगी। और चाहे वो बैंक में पैसे हो या आपका मनपसंद जीवन साथी या बड़ी सी गाड़ी आपके दरवाजे पे, ये सब आपको सिर्फ इसके लिए चाहिए क्योंकि आप इसको पाने के बाद अच्छा महसूस करेंगे। और सिर्फ फीलिंग के लिए ही आप इतनी सारी आकांक्षाएं करते हैं। और जब वो चीज़ होने के पहले ही आप अगर वो फीलिंग ले आते हैं तो आपकी चीज़ें जल्द से जल्द वो पूरी होती है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, ओ अब्राहम, आप ये चाहते हो कि बस मैं खुश हो जाऊँ और संतोष कर लूँ और वो चीज़ें आए ना आए, इसका फ़र्क ही ना पड़े। बट मैं कहती हूँ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप हैप्पीनेस करोगे, आप इस चीज़ का विश्वास करोगे कि वो चीज़ें आएगी और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ इस चीज़ को मान लोगे कि वो चीज़ें होने वाली हैं और संतोष करोगे, तब ही चीज़ें आएंगी। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप
उस चीज की आशा छोड़ दो। आशा के साथ अगर विश्वास रखोगे तो वो चीज बिल्कुल ही आएगी, लेकिन यहाँ पे ट्रिक यही है कि आपको उस चीज के पूरे होने के पहले ही वो चीज पूरे होने वाली फीलिंग लानी पड़ेगी। मतलब कैसा आप फील करते हैं जब आपके पास एक बहुत प्यारी सी गाड़ी आती है, तो कैसी फीलिंग होती है, कैसा मज़ा मिलता है। अगर वो फीलिंग आप पहले ही महसूस कर लेंगे और उस फीलिंग को लगातार आप फील करते रहेंगे, लगातार उसके बारे में सोचते रहेंगे, लगातार खुश मिजाज रहेंगे, लगातार अच्छी खुशियों की बातें सोचते रहेंगे, तो जल्द से जल्द आपको यूनिवर्स उन वैसी चीज़ों से जोड़ता चला जाएगा ताकि आपकी वो खुशहाली चीज़ें जुड़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसी ही चीज़ों से जोड़ता है आपको जो आप सोचते हैं, जो आपके अंदर एक्टिव है, और एक्टिव तभी होगा जब आप उसके बारे में सोचिएगा। अगर आप खुशहाली वाली चीज़ें सोच रहे हैं, अगर आप अपनी आशाओं पर फोकस करते हुए वो चीज़ें सोच रहे हैं जो आपको चाहिए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसी ही चीज़ों से जोड़ता रहेगा आपको। अगर आप ये सोचेंगे कि वो चीज़ें कैसे पूरी होगी, कौन सा एक्शन करना है, कैसे आने वाली है, तो फिर आपकी चीज़ें पूरी होने में देरी लगेगी। अगर आपको ये लगेगा कि मेरी लाइफ बिल्कुल ही बेकार है, मेरी लाइफ में कुछ खुशी नहीं आएगी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहेगा बिल्कुल मैं तुमको और अनहैप्पीनेस देता हूँ और ऐसी चीज़ें देता हूँ जिससे तुम्हारी खुशियाँ और ख़त्म होती जाए। इसके लिए पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं कहती हूँ बस 2 दिन के लिए आप किसी भी चीज़ से पहले ये सोचिए कि कौन सी फीलिंग मुझे चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ तो कौन सी फीलिंग मैं रीच करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर अब तुम बताओ, तुम क्या बात करने